नमस्कार, मैं हूं शिखर दीप और आप देख रहे हैं जीपे 24। कानपुर में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारत ने क्या कमाल की जीत दर्ज की। ये कमाल का मुकाबला था भारत के लिए क्योंकि सिर्फ 2.5 दिन का टेस्ट मैच था। वैसे कई बार भारत 2 से 2.5 दिन में टेस्ट मुकाबले जीत जाती है, लेकिन ये मुकाबला ही 2.5 दिन का था। पहले दिन 2 सेशन के बाद बारिश हुई, दूसरा दिन पूरी तरीके से वॉश आउट हुआ, तीसरा दिन वॉश आउट हुआ, चौथे दिन पता नहीं था क्या होने वाला है, मुकाबला लगभग ड्रॉ की तरफ जा रहा था। लेकिन उसके बाद फिर जल्द ही बांग्लादेश निपट गई तो भारत के दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों ना जीत की तरफ बढ़ते, जो होगा वो देखा जाएगा, फिलहाल तो अपने कदम जीत की तरफ ले जाते हैं। और यही किया भारतीय बल्लेबाजों ने, मात्र 34.4 ओवर में 285 रन बनाए। सबसे तेज 50, सबसे तेज 100, सबसे तेज 150, सबसे तेज 200, सबसे तेज 250 का आंकड़ा छू गया भारत ने। और इस तरह से भारत ने चौथे दिन ही 52 रन की लीड ले ली और उसी दिन 2 विकेट बांग्लादेश को गिरा दिए। अगले दिन पहले सेशन में बांग्लादेश को पूरी तरीके से ऑल आउट कर दिया, 95 रन का लक्ष्य था और भारत ने उसे आसानी से 3 विकेट खोकर जीत लिया। भारत ने उसे आसानी से 3 विकेट खोकर जीत लिया, यानी भारत ने दूसरे मुकाबले को 7 विकेट से जीत लिया और एक और सीरीज भारत ने अपने नाम कर लिया। यानी भारत ने लगभग पूरी दुनिया को यह बता दिया है कि अगर आप भारत में टेस्ट मैच खेलने आओगे तो नतीजा पहले से ही डिसाइड हो चुका है, ये सीरीज भारत ही जीतेगी। हो सकता है कि आधा मुकाबला आपकी किस्मत अच्छी हो जीत जाए, वरना सारे मुकाबले सारी सीरीज भारत ही जीतेगी। आप देखिए ना, ये मुकाबला ऐतिहासिक मुकाबला है, इसमें रिजल्ट आने के चांसेस बहुत कम थे, लेकिन भारत के बल्लेबाजों ने जो कोशिश की है, गेंदबाजों ने उतनी गर्मी में जिस मेहनत से गेंदबाजी की है, जसप्रीत बुमराह, रविचंद्रन अश्विन, ये तो कमाल के हीरे हैं हमारे लिए। और हर बार जब लगा है भारत मुश्किल में फंस सकती है, तब इन दोनों में से कोई ना कोई एक आकर भारत को मुश्किल से निकाला है। वैसे इस मुकाबले में यशस्वी जायसवाल को मैन ऑफ द मैच मिला है क्योंकि पहली इनिंग में शानदार 72 रन और दूसरी इनिंग में भी अर्धशतकीय पारी खेली, ताबड़तोड़ पारी खेली, और रविचंद्रन अश्विन को मैन ऑफ द सीरीज दिया गया। आपको बता दें, टेस्ट क्रिकेट में रविचंद्रन अश्विन 11 बार मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड ले चुके हैं और अब मुथैया मुरलीधरन के रिकॉर्ड की बराबरी भी करें। मुथैया मुरलीधरन को भी 11 बार ये अवार्ड मिला है। इसके अलावा आपको बता दें, एक और बार अश्विन को ये अवार्ड मिलेगा, जरूर मिलेगा। उसके बाद अश्विन टेस्ट क्रिकेट में एक बार फिर सबसे ऊपर पहुंच जाए क्योंकि 12 बार मैन ऑफ द सीरीज पाने वाले वो पहले खिलाड़ी बन जाए। अभी के लिए बस इतना ही, ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जी 24।